नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं और साथ ही हम लोग प्रोजेक्ट को किस लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको आपके इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और मैं आपको यहां पर एक प्रोजेक्ट की सैंपल PDF भी दिखाऊंगा, तो आपको वहां से और हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो पहली बात, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ओ लेवल का प्रोजेक्ट होती है उसकी कोई भी सबमिशन डेट नहीं होती है कि आपको इस डेट से लेकर इस डेट तक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। आप जब चाहें, जिस दिन चाहें, जिस टाइम चाहें, आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आप दो टाइप से सबमिट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ये बात आपकी हो गई कि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपने कम से कम दो पेपर क्लियर कर लिए हों, चाहे वो आपने M1 M2 या फिर M3 R4, मतलब आपने कम से कम दो पेपर पास कर लिए हों। एक बात और कि जो आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट होता है इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है, जैसे आप लोग M1 M2 M3 और M4 और साथ ही प्रैक्टिकल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फीस पे करते हैं, उस टाइप से आपको प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ना तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और ना ही ऑनलाइन कोई आपको फीस सबमिट करनी होती है फॉर्म फिल करते हुए करते टाइम। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट होता है इसके लिए ना तो कोई एग्ज़ाम होता है और ना ही इसमें कोई वाइवा होता है। सिंपली आपको एक बनाना होता है प्रोजेक्ट और उसको उसके साथ में आपको 100 रुपीज़ की DD लगानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ओ लेवल का प्रोजेक्ट होता है वो हम किस पर बनाएंगे। अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट है sabdss.blogspot.com, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा बाय नाउ का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे जब जहाँ मैं इस टाइम पे हूँ। देन आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है ओ लेवल प्रोजेक्ट की वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक लिंक, आप इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 27+ टॉपिक मिल जाएंगे जिसपे आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सी लैंग्वेज पर या फिर HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है और कम से कम वो 15 पेज का होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं तो 70 पेज का, 100 पेज का भी जमा करवाते हैं, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है वो कम से कम 15 पेज का होना चाहिए, 15 से 20 पेज का आराम से सबमिट हो जाता है। अगर आप लोग नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं यानी R5 से हैं तो इस केस में आप लोग पाइथन का यूज़ करके या फिर HTML, CSS, JavaScript इसका यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम लोग किस पे बनाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएं, ये आपको ईजी पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें नहीं मालूम है कि हम टॉपिक कहाँ से लेके आएँ। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 15+ टॉपिक दिए गए हैं HTML के और 5+ टॉपिक दिए गए हैं सी लैंग्वेज के। जैसे आपका ट्रेवल वेबसाइट हो गया, आप इसमें ट्रेवल कंपनी के बारे में, कंपनी की सर्विसेज के बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉलेज वेबसाइट हो गई एंड आपकी स्कूल वेबसाइट हो गई, होटल मैनेजमेंट वेबसाइट हो गई। मैंने यहाँ पर इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे आपका हो गया ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, ऑनलाइन फूड वेबसाइट, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट एंड इसके अलावा आपका 7 वंडर हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट हो गई, कॉलेज वेबसाइट हो गई, रिक्रूटमेंट वेबसाइट हो गई, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग वेबसाइट हो गई, हॉस्टल मैनेजमेंट वेबसाइट हो गई, बुक शॉप मैनेजमेंट वेबसाइट हो गई। तो यहाँ पर आपको कई सारे टॉपिक्स दिखाई देंगे, आप किसी पर भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल ईजी होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस टॉपिक पर बनाना चाहेंगे, यानी कि आप किस लैंग्वेज की हेल्प से बनाना चाहेंगे, HTML, CSS, JavaScript का यूज़ करके या फिर सी लैंग्वेज या पाइथन का यूज़ करके। तो पहला काम आप ये है। देन उसके बाद आप एक काम करें, आप इसमें कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया कि भैया मुझे ऑनलाइन शॉपिंग इस वेबसाइट
इस वेबसाइट को बनाना है इस टॉपिक के ऊपर। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है टॉपिक, देन उसके बाद आपको अपनी कॉपी पर बनाना है साइट मैप। क्या बनाना है? साइट मैप। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये साइट मैप क्या होता है, तो साइट मैप का मीन्स ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप कौन कौन से मेन्यू रखना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मेरी वेबसाइट है इसमें हमने होम, ओ लेवल R4, ओ लेवल R5, CCC, वीडियोस, बाय नाउ एंड डाउनलोड, मैंने इन ऑप्शंस को मेन्यू बार में रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो आप वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें आप कौन कौन से ऑप्शन रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपका टॉपिक है मुझे उसमें कौन कौन से ऑप्शन रखने चाहिए, तो आप एक काम करें कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित आप इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बनाना है प्रोजेक्ट HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो करना क्या है आपको, कुछ क्या करना होगा, आपने साइट मैप तैयार कर लिया है, ओके, देन इसके बाद आपको हर एक ऑप्शन के लिए कोड लिखना होगा। तो जब आप कोड लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, उस कोड से हर एक पेज को लिंक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो एक वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। इसमें होम, प्रोडक्ट, पेमेंट, अबाउट अस, FAQ एंड सपोर्ट, हमारी टीम ने इन ऑप्शंस को यहाँ पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर क्लिक किया FAQ एंड सपोर्ट पे, तो इस पर क्लिक करते ही जो फॉर्म है, जो भी इस पेज का कंटेंट होगा वो आपके सामने दिखाई देगा। हमने क्लिक किया अबाउट अस पे, तो जो भी अबाउट अस में हमने कोडिंग की होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन इसके अलावा अगर हमने क्लिक किया पेमेंट के ऊपर, तो जो पेमेंट का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो भी आपका जानकारी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं और यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट पर जब से आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर लिख के आ चुका है योर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, ID ये है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से शॉपिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया HTML, CSS, JavaScript की हेल्प से। अब बात आती है कि क्या हमें ये वेबसाइट सबमिट करनी होती है? नहीं, आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका होम है, मैं आपको इसका होम और प्रोडक्ट ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि हमने यहाँ पर जो इमेज का यूज़ किया है वो इंटरनेट से किया है, ठीक है, तो हम आपको इस पेज को नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने होम पर क्लिक किया तो आपके सामने जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको इस आउटपुट का लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बनानी है एक MS Word फाइल कुछ इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक पेज ओपन करना है जिसमें आप लोग इंडेक्स पेज लिखेंगे। देन इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो पहला पेज है उसका आउटपुट ये है, और हमने उसी के नीचे उसका कोड लिख दिया है जस्ट उसके नीचे। तो आपको इसी टाइप से हर एक पेज का आउटपुट और उसका कोड उसी के नीचे लिखना है, और आपको इस टाइप से एक PDF क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और साथ ही आपने किस पेज पर किस कंटेंट का कोड लिखा हुआ है और स्क्रीनशॉट है वो भी आपको यहाँ लिखना होगा इंडेक्स पेज में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्नैप्स एंड कोडिंग ऑफ इंडेक्स पेज, कि जो इस जो आउटपुट है और जो कोडिंग है उसकी, वो किसकी, इंडेक्स पेज की, वो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 2 तक है, ठीक है। तो आप इस टाइप से अलग अलग पेज, किस पेज पर किसकी कोडिंग है, आपको इसका भी इंडेक्स क्रिएट करना होता है। देन इसके बाद आपको इसका प्रिंटआउट निकलवाना होता है। इसके अलावा आपको MS Word में 5 पेज और बनाने होते हैं, जिनमें से आपका पहला है फ्रंट पेज, कि आपका टाइटल क्या है और कौन सबमिट कर रहा है, उसका नंबर क्या है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या फिर डायरेक्ट है, अगर इंस्टीट्यूट से कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर फिल कर दिया है। देन उसके बाद आपका एक पेज होता है एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें आपको कुछ इस टाइप से लिखना होता है कि आपका जो गाइड है उसका नाम क्या है, उसने आपकी किस टाइप से इस प्रोजेक्ट में हेल्प की है। देन इसके बाद आपको बनाना होता है अबाउट द लैंग्वेज, कि जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें आपको आपने कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ HTML से बनाया गया है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ HTML के बारे में लिखा है। अगर आप इसमें CSS, JavaScript का भी यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर उसके बारे में भी लिखना होगा। देन इसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके बारे में भी आपको यहाँ लिखना होगा अबाउट द प्रोजेक्ट। देन इसके बाद आपको बनाना होगा सबसे लास्ट में एक पेज कंक्लूजन, कि आखिर इस प्रोजेक्ट को बनाने क्या निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ये आपको 5 पेज क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, और आपको इनका प्रिंटआउट भी निकलाना होता है। तो आपको इस पांच पेज जो आपके हैं MS Word वाले, जो आपके फ्रंट पेज हैं, और साथ ही जो आपका PDF है प्रोजेक्ट वाला, उसका आपको प्रिंटआउट निकलाना होता है। देन इसके बाद आपको उसकी करानी होती है
स्पायरल बाइंडिंग और आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर देना होता है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट हैं तो उस केस में आपको प्रोजेक्ट को डायरेक्ट जमा करना होता है निलिट के एड्रेस पर। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है कि डीडी में किसका नाम लिखना होता है, फीस कितनी होती है। ध्यान दीजिए, जो कि फीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ होती है, 100 रुपये होती है, जिसे आपको सबमिट करनी होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्रोजेक्ट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेंड करने कर सकते हैं। बात यहाँ पर खास उन लोगों के लिए है जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर गाइड को भी, गाइड की मार्कशीट को भी यहाँ पर साथ में सबमिट करना होगा। कहने का मीन्स ये है कि 100 रुपीज़ की डीडी और साथ ही जो आपका गाइड है जिसने एमसीए, बीसीए या फिर बीटेक किया हुआ है, उसकी मार्कशीट भी आपको लगानी होती है कुछ इस टाइप से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको नीट की साइट से इस प्रोफार्मा को डाउनलोड करना होगा। आप सिंपली जाइए गूगल पर टाइप कर दीजिए ओ लेवल प्रोजेक्ट प्रोफार्मा, तो आपके सामने लिंक दिखाई देगा नीट का। आप जहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफार्मा ओपन हो जाएगा। तो क्या करना होगा, आपको इस प्रोफार्मा को फिल करना होगा। जो भी आपका गाइड है जिसने बी सी ए, एम सी ए या फिर बी टेक किया हुआ है, उसके यहाँ पर साइन कराने होंगे। एंड उसके बाद जो उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसकी आपको यहाँ पर फोटो कॉपी जिसमें उसने साइन किए हों, वो भी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ में सबमिट करना होता है। तो जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं और साथ ही क्या इसमें एग्ज़ाम होता है वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपसे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा भी ओ लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम द्वारा अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं एक सिंपल सी कास्ट में। करना क्या है उसके लिए, आपको उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817, आपको इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए तो आपको हम सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना फीस पेमेंट करना होगा। बिल्कुल इजी है। तो अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो आपसे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।